हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैत्री मंत्रास। माय नेम इज़ अंकुर कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नई खुशखबरी है, जिसमें आपका जो आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ था सभी डोमेन्स का, उनका आंसर की आ चुकी है। और ये आंसर की ऑफिशियल आंसर की है, जो कि आरआरबी ने अपने आप अपलोड किया आज की डेट में। और इसके लिए आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आंसर की में, जो सही आंसर है उसका, आपका जो रिस्पांस है उसका, और आपका जो रेज ऑब्जेक्शन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का जो आंसर की है उसको हम देख लेते हैं एक बार। आप लोगों को भी ये आपका जो आंसर की है उससे अगर आप कुछ मैच करना चाहते हैं, आप लोग मैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ सबसे पहले आप चैनल को, अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए। और ऐसे ही अच्छी अच्छी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। नाउ अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड डीडीटी इन 1939। इसका आंसर है डी, पॉल हरमन मुलर। नेक्स्ट आंसर है आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ चौक इन अ ट्यूबलाइट। इसका आंसर है बी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर है सी, स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ओके, इसका आंसर है आपका बी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है आपका, द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइंडिंग इन टू फेस सप्लाई। इसका आंसर है 90 डिग्री, ए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कैड। कैड मतलब आपको पता है, आंसर इसका सी है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है द डिफरेंस, और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको जैसे कि आप देखते हुए जा रहे हो कोई क्वेश्चन, आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, जो भी आप रेज करना चाहते हो कुछ ऑब्जेक्शन, ठीक है, तो वो आप लोग रेज कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे यहीं पे जो क्लिक करना है बस, जस्ट जैसे को रेज ऑब्जेक्शन क्वेश्चन नंबर 7, तो इस पर जाइएगा और ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं आप अपना ईजिली, ठीक है। डिफरेंस ये, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो गया वो आपका हो गया ए, स्लिप। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो इसका आंसर है बी, रिक्वायर्स डीसी एक्साइटेशन। नेक्स्ट है, द रिवर गंगेज फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इसका आंसर ए, इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पाइंडल ऑफ द मूविंग सिस्टम इन ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, बी, जॉइंट बेयरिंग्स। नेक्स्ट है, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ थ्री फेज सिंक्रोन इंडक्शन मोटर, इसमें 20 पोल दिए हुए हैं और 50 हर्ट्स इसका जो भी स्पीड आएगी, आंसर बी, ठीक है। अभी ज़्यादा लंबी वीडियो में बनाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ड्यूरिंग रेस वे वायरिंग विच कलर इज यूज्ड, तो आप लोग को अगर लगता है दे जल्दी हो रहा है तो थोड़ा सा रोक के वीडियो को देख लीजिएगा। इसका आंसर हो गया डी। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ शेडिंग कॉइल इन अ शेडेड पोल मोटर। इसका आंसर हो गया डी, प्रोड्यूसिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है, कौन से ग्रह को पृथ्वी की ट्विन सिस्टर बोला जाता है। इसका आंसर है डी, विनस। उसके बाद, ए सब्सटेंस दैट हैज़ अ हाई रिटेंटिवनेस कैन बी यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, किस चीज़ के मैन्युफैक्चर के लिए होता है जिसका हाई रिटेंटिवनेस होती है, पैरामैग्नेट्स के लिए कि फेरामैग्नेट्स के लिए, किसके लिए होता है, ये होता है परमानेंट मैग्नेट। उसके बाद आंसर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन्स इज कैपेसिटेंस इफेक्ट नेग्लिजिबल, तो ये हो गया शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट आ गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स इज अ सिग्नल डायोड, तो सिग्नल डायोड ये आंसर हो गया बी, 0A79। नेक्स्ट है आपका, HTML इज द लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट, तो HTML किसके लिए होता है, वेब पेज के लिए। नेक्स्ट है आपका, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में होते हैं तो 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन नेशनल पार्क लोकेटेड, गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसका आंसर आपका हो गया तमिलनाडु, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिवाइस यूजेस इंफ्रारेड सिग्नल टू ऑपरेट और कंट्रोल अदर डिवाइसेस रिमोटली। इसका आंसर आ गया डी, रिमोट कंट्रोल। नेक्स्ट आपका आ गया, द आर्मेचर करंट ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर हैज लार्ज वैल्यू 4, तो इसका आंसर आ गया सी, बोथ लो एंड हाई एक्साइटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेजेस बिल्डिंग्स बाय कोरोडिंग देम स्लोली, आंसर हो गया डी, एसी ड्रेन। नेक्स्ट है आपका, ललित कला अकाडमी जो है वो कहाँ पर है, इसका क्या यूज़ है, सॉरी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किस, मतलब क्या यूज़ है इसका, तो ये हो गया प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन आर्ट। नेक्स्ट हो गया, फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है, तो वो हो गया आपका टंगस्टन वायर। नेक्स्ट हो गया आपका, पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन ऑन हाई वोल्टेज बिकॉज, तो ये आंसर आ गया, बोथ कंडक्टर कॉस्ट इज रिड्यूस्ड एंड इफिशियंसी इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट हो गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर, पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट किए जाते हैं एक मैग्नेट के द्वारा,
नेक्स्ट हो गया इन एन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर वाइज कंप्रेस्ड एयर यूज्ड, कंप्रेस्ड एयर यूज करने के लिए क्वेंचिंग द आर्क, आर्क को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है मोहर रिले सूटेबल फॉर, मोहर रिले कौन सा यूज होता है बोथ अल्ट्रा एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए। नेक्स्ट है टू वे स्विचेस आर यूज्ड इन विच वायरिंग, तो इसका आंसर आएगा डी स्टेयरकेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ट्रोजन, ट्रोजन का कौन सा टाइप है, इसका आंसर है बी ऑल ऑफ द ऑप्शंस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू क्लोज और ब्रेक अ सर्किट इज कॉल्ड एज, तो क्लोज और सर्किट को बंद करने के लिए और ओपन करने के लिए स्विच यूज होता है। नेक्स्ट है ए क्लस्टर ऑफ चार्जेस विद एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑफन कॉल्ड एज, इसका आंसर आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। नेक्स्ट है वर्किंग वोल्टेज ऑफ मीडियम ग्रेड केबल्स इज, इसका आंसर है डी 650 वोल्ट, इसका आंसर बहुत सारे लोग 400 वोल्ट जैसे इन्होंने भी लगाया हुआ है। ठीक है नेक्स्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये कब हुआ था 1948, व्हेन डिड बिहार बाइफर्केट फ्रॉम बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर, ये कब हुआ था, देखो ये छोटा बंगाल, ये जो बंगाल मतलब अलग हुआ था ना वो कब हुआ था 1912 में। एन एंकर और डाउन गाय यूज एट द एंड्स ऑफ पोल लाइन्स इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस द पुल ऑफ लाइन कंडक्टर्स इज जनरली नोन एज, इसको अजीब ही क्वेश्चन है देखा जाए तो ये टर्मिनल गाय इसको बोलते हैं, ITI लेवल का क्वेश्चन है ना ये। इफ देर इज नो लिकन्स प्रेजेंट इन द एयर देन इट इंडिकेट्स, अगर लिकन्स प्रेजेंट नहीं है एयर में तो इसको क्या बोलेंगे, एयर इज वेरी क्लीन। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर सच एज जीरो वंस को क्या बोलते हैं बाइनरी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका द ग्लास इज यूज इन स्पेक्टिकल्स एंड वॉच मेकर्स मैग्नीफाइंग ग्लास आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं सी लेंस। नेक्स्ट आ गया आपका द यूनिट ऑफ करंट, इसका आंसर आ गया एम्पियर। व्हेन द रोटर ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड इट्स रोटर फ्रीक्वेंसी विल बिकम, इसका आंसर होगा सी जीरो, क्योंकि ये स्लिप हो जाएगी जीरो तो और FR इक्वल टू S इंटू F होता है तो इसलिए हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट है व्हेन वॉज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो सेटअप हुई थी वो 1664 में हुई थी, आंसर होगा ए। नेक्स्ट है आपका द वाइंडिंग ऑफ इंटरपोल्स इज कनेक्टेड विद द आर्मेचर, तो इसमें आंसर आएगा आपका सी सीरीज में कनेक्ट होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉयल ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स लिंक्ड विद इट इज कॉल्ड, इसका आंसर आ गया डी इंडक्टेंस। नेक्स्ट आपका हो गया अल्टरनेटर में 20 पोल्स हैं और 300 उसकी RPM स्पीड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है NS=120 f/P से आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आया आपका 50 Hz डी। नेक्स्ट आपका द डिजीज विच वाइप आउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इन द 12th एंड 3rd सेंचुरीज, इसका आंसर है आपका डी प्लेग। नेक्स्ट है आपका इन अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका आंसर आ जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी भी होगा मतलब इसके ऑल ऑफ द ऑप्शंस आ गए। नेक्स्ट है आपका द थायरिस्टर इज टर्नड ऑफ व्हेन द एनोड करंट फॉल्स बिलो, तो होल्डिंग करंट आंसर आएगा। नेक्स्ट है वेयर इज द कंट्रोल ग्रिड प्लेस्ड इन अ ट्रायोड, तो इसमें आंसर आएगा आपका सी मिडवे बिटवीन प्लेट एंड कैथोड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इसमें क्या है 100 m² रोल, देखो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है डीसी रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसका आंसर हो गया 0.688। तो फ्रेंड्स देखो अभी तक जो भी आपकी एनालिसिस चल रही है वो आप लोग क्वेश्चन जब ये ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन पेपर तो आप लोग अपने मार्क्स काउंट करना और मार्क्स काउंट करके कितने पॉजिटिव थे और कितने नेगेटिव थे और कितना आपने टोटल अटैम्प्ट किया था वो आप लोग बताएंगे, उसके बेसिस पे हम लोग सब लोग मिलके एक एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद एक फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू जो होगी मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो है जो मैंने वीडियो बनाई थी आप वीडियो देख सकते हैं उसमें वीडियो मैंने 93 से 96 बताई थी, लेकिन मुझे लग रहा है अभी वीडियो ये कट ऑफ और कम जा सकती है क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन जो अभी दिख रहे हैं काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अभी 2-3 वीडियो देखी थी तो उसमें जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उसके हिसाब से तो कम ही लग रहा है, बाकी आप लोग अपना कमेंट करिए मार्क्स उसके हिसाब से देखते हैं क्या कट ऑफ लग रहा है। नेक्स्ट है इफ़ ए थ्री फेज मोटर ऑपरेट्स विथ टू फेजेस इट इज़ सिंगल फेजिंग इट विल अल्टीमेटली मेक द मोटर टू बर्न आउट, ओके। नेक्स्ट है आपका कुप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी जो है वो किस में यूज होती है, तो वो हॉकी में यूज होती है। नेक्स्ट है आपका N2S एक्सटिंग्विशर्स आर आइडियल फॉर प्लेसेस विद अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज ऑफिसेस और सर्वर रूम, तो इसका आंसर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजिंग फैक्टर का आंसर है इसका डी 1.45। नेक्स्ट है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज लेस देन द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज, तो इसका जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का परमिएबिलिटी -1 होता है, ठीक है।
तो इसका आंसर आ गया डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट है इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम ए फीडर फीड्स पावर टू, तो इसका आंसर आएगा डिस्ट्रीब्यूटर को ये पावर फीड करता है। नेक्स्ट आ गया आपका ये मैग्नेटिक प्रेशर विच सेट्स अप टेंड्स टू सेट अप फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड एज, आंसर आ गया मैग्नेटिक मोटिव फोर्स MMF। नेक्स्ट है गुड अर्थ कंटिन्यूटी इम्प्लाइज, गुड अर्थ कंटिन्यूटी क्या इम्प्लाई करती है, लो रेजिस्टेंस बी। नेक्स्ट है इन 2018 में जो फ्रांस में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था तो वो किनको मिला था, इसका आंसर है अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट आया 2019 में विच अवार्ड वॉज गिवन टू इरफान रमजान शेख, तो इसका आंसर आ गया आपका शौर्य चक्र। ठीक है, इरफान रमजान शेख को शौर्य चक्र मिला था। द रोटर इन एन ऑल्टरनेटर रिक्वायर्स, तो रोटर ऑल्टरनेटर में क्या रिक्वायर्ड होता है, इसका आंसर है डी, डीसी पल्स चाहिए उसको। सिंक्रोनस मोटर व्हेन यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, तो सिंक्रोनस मोटर अगर हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ऑपरेट एट नो लोड एंड ओवर एक्साइटेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है द सिस्टम इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड फॉर ए जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिस्टम, तो थ्री फेज सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज होता है जनरली अगर हम देखें तो, यूनिवर्सली जो अडॉप्टेड सिस्टम है वो थ्री फेज सिस्टम है। बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग विच एक्शन इज टू बी नेसेसरीली टेकन, मतलब अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर है क्लीनिंग करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लीकेज कोफिशियंट इज डिनोटेड बाय, तो लीकेज कोफिशियंट किससे डिनोट किया जाता है, लैम्डा से। नेक्स्ट है एक क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड हैज अ डेफिनेट रिपीटिंग टाइम साइकिल इज कॉल्ड ए, तो रिपीटिंग साइकिल जिसका इसको क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट पीरियोडिक, जिसका अगर तुम्हारा डेफिनेट रिपीटिंग टाइम साइकिल है मतलब एक कंटिन्यू उतना ही टाइम साइकिल है तो उसको स्टेडी स्टेट में बोलेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल कॉज ऑफ ब्लैकनिंग एट बोथ एंड्स ऑफ द फ्लोरेसेंट लैम्प, इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस। नेक्स्ट क्या आपका ग्राउंड स्ट्रोक किससे रिलेटेड है, तो ये टेनिस से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट ये वाला देखिए रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था, इसका आंसर है 2 किलो ओम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन सी डिस्क है या फिर कौन सा, हाँ डिस्क ही बोलेंगे, जिसकी स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है, तो वो आंसर हो गया इसका फ्लॉपी डिस्क, सबसे कम फ्लॉपी डिस्क का होता है। नेक्स्ट है दी मेजरमेंट एरर्स मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन मिस्टेक्स, तो ह्यूमन मिस्टेक की एरर को बोलते हैं ग्रॉस एरर। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट पिच ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज एंड कंडीशंस आर मेड टू वाइब्रेट एट डिफरेंट, इसका आंसर आ गया डी फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट आ गया व्हेन चेक्ड विद एन ओम मीटर एन ओपन रजिस्टर रीड, तो ओपन रजिस्टर क्या रीड करेगा, इनफाइनाइट रजिस्टेंस। नेक्स्ट हो गया RMS वैल्यू इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द विच ऑफ द इफेक्ट, तो इसमें आएगा हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट आ गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज, तो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन सा नहीं है, 222 kV। नेक्स्ट आ गया आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, इसमें आंसर होगा आपका बी 1.657 × 10⁻¹⁵ एम्पियर टर्न पर वेबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया इन ए टू पोल वाइंडिंग इसमें क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है कंडक्टर का, तो इसमें पूछा हुआ है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस इसका होगा XZ/A² से निकालते हैं इसको, तो ये आ गया 50 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेवेड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, तो इसका आंसर आ गया आपका स्टैम्प ड्यूटी। नेक्स्ट है टू SWG तार का व्यास किसके बराबर होता है, या फिर दी वायर ऑफ टू स्क्वायर गेज इज इक्वलेंट टू डायमीटर ऑफ, तो इसका आंसर आ गया आपका 7.01 mm। नेक्स्ट आपका आ गया दी आर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ थ्री फेज 6 poles 50 hertz, ये देखो इसमें तो ईजी क्वेश्चन है NS=120 f/P से निकाल लोगे आप, 1000 hertz इसका 1000 rpm इसका आ गया स्पीड। नेक्स्ट है आपका विच प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ यूजर लेवल प्रोसेसेस, इसका आंसर आ गया आपका डी सिस्टम सेल्स। नेक्स्ट है वाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या निकलता है, वाटर एंड सॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ गया ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वॉट, तो इसका आंसर आ गया वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ह्यूमिडिटी जो है वो वाटर वेपर का अमाउंट होता है कितना प्रेजेंट है एयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इज कनेक्टेड टू द अर्थ इलेक्ट्रोड विदाउट ए फ्यूज सर्किट ब्रेकर और रेजिस्टेंस इंपेडेंस इट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, सी आंसर आएगा सॉलिडली अर्थेड। नेक्स्ट है द EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स ऑन फ्लक्स लिंक्ड विद इट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, आंसर सी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। नेक्स्ट है आपका ए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज डिजाइंड टू डिफ्लेक्ट इट्स नीडल प्रोपोर्शनल टू, तो इसका आंसर आएगा बैलिस्टिक का आंसर आएगा चार्ज ए।
नेक्स्ट आएगा कॉन्स्टिलेशन कैलिसोपिया हैज अ शेप ऑफ डिस्टॉर्टेड इंग्लिश अल्फाबेट, विच अल्फाबेट इज इट? इसका आंसर आ गया W और MB. विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज एम्प्लॉयड इन हेयर ड्रायर्स? तो हेयर ड्रायर्स का आंसर आ गया शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. नेक्स्ट आपका आंसर है क्वेश्चन है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या है? SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. तो आंसर हो गया कूलम्ब C. नेक्स्ट है आपका ससेप्टिबिलिटीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या बताया था मैंने? माइनस का 1, तो ये नेगेटिव आएगा आंसर. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर टू बी ए कंप्यूटर पेरीफेरल डिवाइस? कंप्यूटर पेरीफेरल आंसर हो गया सी, क्योंकि CPU उसके अंदर लगा होता है. पेरीफेरल मतलब जो इनपुट आउटपुट की डिवाइस है उनको पेरीफेरल बोलते हैं, जैसे कि मॉनिटर स्पीकर कीबोर्ड. तो CPU आंसर आ गया. नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्यूज यूज्ड इन डोमेस्टिक एप्लीकेशन? तो इसका आंसर आ गया किटकैट फ्यूज, ठीक है, जो घरों में ज़्यादातर यूज होता है किटकैट टाइप बोलते हैं. तो गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो इसका आंसर हो गया मरकरी. एन ऑन ऑफ स्विच विच ओवरलोड प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ए? तो ओवरऑल ये क्या हो गया, ऑन ऑफ स्विच जो कि ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया था, इसका आंसर क्या होगा? डी, मतलब मैनुअल स्टार्टर बोलते हैं. ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है. उसके बाद इन इफ देर आर एन नोड्स इन दी सर्किट, अगर एन नोड है तो वहाँ पे एन माइनस वन इक्वेशन बनेंगी, आंसर बी. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग्स इज सूटेबल फॉर लाइटिंग इन लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन? इसका आंसर हो गया आपका बी, मतलब TRS वायरिंग. नेक्स्ट है फॉर स्लिप एस एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ, इसका जो रोटर का स्पीड होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन रोटर, तो ये हो गया एस इंटू एफ. नेक्स्ट हो गया अल्टरनेटर इज यूज टू जनरेट, तो अल्टरनेटर का यूज़ क्यों होता है? बी, AC जनरेट करने के लिए. नेक्स्ट हो गया इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी करियर्स कौन से होते हैं इसमें? इसमें आएगा आपका बी, होल्स. नेक्स्ट आ गया ऑटोमेटेड टेलर मशीन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई नॉन बैंक एंटिटीज आर कोल्ड? इसका आंसर है वाइट लेवल एंटिटीज या वाइट लेवल ATMs. नेक्स्ट है JFET इज ऑल्सो कोल्ड विच टाइप ऑफ डिवाइस? तो ये हो गया यूनिपोलर डिवाइस, सी. नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव द सेम व्हाट? डी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल. नेक्स्ट हो गया इन इंडिया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC पावर लाइन वोल्टेज? तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़, डी. नेक्स्ट आया कलरी पट्टू कहाँ का मटेरियल आर्ट है? तो ये हो गया केरला का. नेक्स्ट हो गया टू बल्ब्स ऑफ 500 वॉट एंड 200 वॉट बल्ब रेटेड एट 250 वॉल्ट विल हैव रेजिस्टेंस रेशो एज? इसका रेजिस्टेंस रेशो V2/R से करके निकाल लेंगे, आंसर आएगा बी, मतलब 2:5, ठीक है. नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची? तो इसका आंसर आ गया नरसिम्हा वर्मन टू. नेक्स्ट आ गया इफ द लोड इंपीडेंस इन 3 phases आर नॉट इक्वल टू द लोड देन इट इज कॉल्ड एज द अनबैलेंस्ड लोड बोलेंगे ना. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिलेज आर प्रेजेंट इन पैकेट स्विचिंग? तो पैकेट स्विचिंग में कौन सा डिले प्रेजेंट होता है? आंसर आ गया सी, तीनों के तीनों, प्रोसेसिंग डिले, क्वेंचिंग डिले और ट्रांसमिशन डिले. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज सूटेबल फॉर द रिमूवल ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स? इसका आंसर आ गया बी, वेट कलेक्टर. फ्रेंड्स अपने मार्क्स जरूर बताने आप लोगों को, तभी हम लोगों का आइडिया हो पाएगा और एक पता चल पाएगा कितने लोगों के कैसे कैसे मार्क्स आए हैं. ज़्यादातर लोग अपने बता देना जिससे कि हम लोग एक कट ऑफ डिसाइड कर सकें. नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो होगी एग्जैक्ट कट ऑफ डिसाइड करने के लिए आप लोगों के एनालिसिस के बेसिस पे ही. तो जल्दी आपको आई थिंक कल आपको वीडियो मिल जाएगी अगर आप लोग तुरंत अपने कमेंट्स दे देते हैं तो, ठीक है. नेक्स्ट है आपका इफ़ ए पावर ऑफ, और आपने अगर वीडियो को शेयर करना है शेयर करिए अपने दोस्तों को जिससे कि उन लोगों को भी पता चल सके क्या अभी चल रहा है, वो लोग भी अपने मार्क्स यहाँ पे कमेंट कर सकें, ठीक है. इफ़ ए पावर ऑफ 100 वॉट इज बींग सप्लाइड अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वॉल्ट, इसका आंसर हो गया आपका डी. नेक्स्ट ये तो सिंपल था, V/I करना है खाली. फॉर डोमेस्टिक वायरिंग द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज मटेरियल इज, तो मोस्ट एक्सटेंसिवली कौन सा है? कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, ठीक है. नेक्स्ट है आपका ऑसिलेटर हैज़ द बेस्ट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, तो इसका आंसर है क्रिस्टल ऑसिलेटर. नेक्स्ट है आपका टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, तो इसमें क्या है पावर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या मेजर करता है? रेजिस्टेंस मेजर करता है. इक्विपमेंट अर्थिंग इज नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो इसका आंसर है द डेंजर ऑफ अर्थ शॉक्स. नेक्स्ट है ए DC मोटर, देखो इसकी फुल स्पीड दे रखी है और रेगुलेशन दे रखा है, तो V2 नो लोड में ये N2 नो लोड माइनस N2 फुल लोड बाई N2 फुल लोड इंटू 100 करके ये आपको यहाँ से 10% ले लेना चाहिए था, आंसर आ जाएगा ए 825 RPM. उसके बाद क्या है दी बेस ऑफ BJT इज, तो ये लाइटली डॉप्ड होता है
उसके बाद आएगा आंसर इन ए मैगर कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय, तो ये कोयल के द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं मैगर में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैरिन पोल्यूटेंट, मैरिन पोल्यूटेंट इनमें से कौन सा नहीं है, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एक मैरिन पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो जरूरत पड़ेगी ना। व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन ये ट्यूब, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब का जो एवरेज लाइफ होगा वो होगा 7000 आवर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज यूज्ड इन वॉट मीटर, तो वॉट मीटर में कौन सा फॉलोइंग कौन सा इफेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये कौन सा होगा आपका डी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंटेमिनेटेड बाय द वेस्ट्स वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज, तो इसमें क्या आएगा आंसर बी ऑल ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है तुम्हारा रेजोनेंट ग्राउंडिंग इज ऑल्सो नोन एज, जिसको बोलते हैं आर्क सप्रेशन कॉयल अर्थिंग। नेक्स्ट आपका आएगा द फिनोमिनन ऑफ अक्रेंस ऑफ एडिशनल स्पीसीज फाउंड इन द इकोटोन और ट्रांजिशनल जोन बिटवीन एडजोइनिंग इकोसिस्टम्स इज नोन एज, तो इसका आंसर आ गया डी एज इफेक्ट। नेक्स्ट आप क्या आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अर्थिंग सिस्टम, तो इसका आंसर आ गया बी ऑल ऑफ द ऑप्शंस प्लेट अर्थिंग वायर अर्थिंग पाइप अर्थिंग। नेक्स्ट आ गया आपका ए पी एन पी एन डायोड, तो ये किससे बना होता है, हमेशा सिलिकॉन से बना होता है, क्योंकि जर्मेनियम में जो आपकी करंट है ना आई नोट वो ज़्यादा हो जाती है रिवर्स सेचुरेशन करंट, इसलिए नहीं बनाते। इन एन ऑल्टरनेटर दी करंट इज जनरेटेड इन दी स्टेशनरी स्टेसर, तो वो आएगा आपका एसी करंट जनरेट होती है उसको फिर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इफ़ ए 100 वॉट बल्ब इज ऑन फॉर 10 आवर्स, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितना होगा 1 kWh, वी इंटू आई करना है जस्ट, ठीक है। इसमें क्या है नेक्स्ट द स्पीड विद विच द टर्बो ऑल्टरनेटर ऑपरेट, तो उसका आंसर आ गया 3000 RPM ए। नेक्स्ट है सिलिकन सोलर सेल्स हैज एन ओपन सर्किट वोल्टेज नॉट इक्वल टू, तो इसका आंसर आ गया बी ऑल ऑफ द ऑप्शंस, क्योंकि इसका जो सिलिकन का है वो होता है 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्या है मल्टीमीटर की अगर बैटरी वीक हो जाएगी तो कैसे रीडिंग देगा, तो ये आएगा लेस रीडिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, इसका आंसर आ गया डी दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। नेक्स्ट है सीलिंग रोज इज यूज टू टेक सप्लाई फॉर ए एन, तो इसका आंसर आ गया ए फ्लोरेसेंट लैम्प। नेक्स्ट है ए गैस जार कंटेन्स 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस, इसमें कितने आपके नंबर ऑफ मोल हो गए, तो आंसर आ गया डी 0.1 मोल। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स ऑपरेट इज इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, तो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में कितने डायोड ऑपरेट कर कौन सा डायोड ऑपरेट करता है, तो आंसर आ गया डी जेनर डायोड, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका दी सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द मून इन इट्स ऑर्बिट इज प्रोवाइडेड बाय विच फोर्स, तो ये आंसर आ गया आपका बी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर पे क्यों किया जाता है, कोर लॉस फाइंड करने के लिए, एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर, डीसी मोटर की स्पीड किससे कर सकते हैं हम, थायरिस्टर से, बहुत लोग ट्रांजिस्टर लगाएंगे लेकिन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल गेट अ न्यू रेलवे जोन, न्यू रेलवे जोन किसको मिला है, डी आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इन एसी सर्किट इज कॉल्ड, इसका आंसर है ए इम्पीडेंस, एसी सर्किट बोल रहे हैं इम्पीडेंस, डीसी सर्किट होता तो रेजिस्टेंस। इनमें से हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन से हैं, 1H1 1H2 1H3, तो आंसर आ गया डी। नेक्स्ट है आपका द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इनर, ये तो हो गया आपका इन अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ स्लिप पे, एस इंटू एफ होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स करंट वेव इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम, तो ये आ गया RMS वैल्यू, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट लिविंग ए नोड इज लंप्ड पैरामीटर सर्किट इज इक्वल टू, तो आंसर आ गया डी 0। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वॉट इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें आएगा प्रेशर, ठीक है, पीजो मतलब प्रेशर। वी कैन स्टार्ट MS वर्ड बाई टाइपिंग वॉट इन द रन डायलॉग बॉक्स, तो इसमें आ गया विन वर्ड डॉट exe। नेक्स्ट है ACSR का फुल पूर्ण रूप क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील reinforced, तो ये आपका आ गया आंसर की, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कोई दिक्कत है इसमें आंसर की में तो आप लोग यहाँ से रेज ऑब्जेक्शन पे जाके देखिए, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे आप और इस वाले ऑप्शन पे जाके आप डायरेक्टली क्या करेंगे, रेज ऑब्जेक्शन, तो यहाँ पे जाके आपको कुछ मिलेगा रेज ऑब्जेक्शन करने के लिए, उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। ये आपका आंसर की चेक करने के लिए तरीका है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, एंटर कैप्चा, उसके बाद आपके आंसर की ओपन होके आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो मिलते हैं अभी
देखो अभी आप अपने मार्क्स कमेंट जरूर करना, जिससे कि हम लोग एनालाइज कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। एक अच्छी एनालिसिस के बाद आपकी जो फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को फैला दो यार, बहुत मेहनत से बनाई है, ठीक है। अभी और मेहनत से आपकी नेक्स्ट कट ऑफ वाली वीडियो बनेगी। जितने लोगों को आप फैलाओगे, उतने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, उतनी अच्छी वीडियो होगी, उतनी अच्छी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।